हो गया? वेलकम यू ऑल फॉर न्यू सेशन फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स. टुडे इज ए वर्कशॉप क्लास. देर इज ए फोर बैचेस इन द वर्कशॉप. दैट इज नंबर वन फिटिंग. Shop. Number two, carpentry shop. Number three, welding shop. And last, smithy shop. अभी तक आप लोगों ने जो है प्रोफेशनल कॉलेजेस के अंदर स्टडी नहीं करी. इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि अभी तक जो आप लोग पढ़ाई कर रहे थे घर पे कर सकते थे, लेकिन अब प्रोफेशनल कॉलेजेस के अंदर लैब्स और वर्कशॉप जो कि घर नहीं जा सकती तो वहाँ से स्टडी नहीं कर सकते. तो ये डिफरेंट शॉप्स जो वर्कशॉप में आपको कवर करनी होगी, फिटिंग, कारपेंट्री, वेल्डिंग एंड स्मिथी. फिटिंग शॉप के अंदर माइल्ड स्टील पीस के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन करने का मौका मिलेगा आप लोगों को. सच एज आपको एक फ्लैट पीस मिलेगा, उसमें उसकी कुछ विड्थ होगी, कुछ हाइट होगी, कुछ लेंथ होगी. इसके ऊपर आपको ये 90 डिग्री में विद द हेल्प ऑफ फाइलिंग करना होगा और उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन के अंदर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स दो तरह की शेप बनाने को दी जा सकती हैं विद द हेल्प ऑफ फाइल. इसी के अंदर विद द हेल्प ऑफ ड्रिलिंग मशीन आपको होल करना होगा. होल करने के बाद नेक्स्ट ऑपरेशन विद द हेल्प ऑफ टैब आपको थ्रेडिंग करने का मौका मिलेगा. दीज आर द डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म इन फिटिंग शॉप. इसी तरह से फिटिंग शॉप के अंदर जो जो टूल्स होंगे उसको आपको फिजिकली देखने को मिलेगा और ऑपरेशन करने का मौका मिलेगा. दैट इज फाइल्स, चीजर्स, हैमर्स. डिफरेंट टाइप के फाइल्स होंगे, हैमर्स होंगे, चीजर्स होंगे. जब आपको काम करने का मौका मिलेगा तो वहाँ उस समय देखने को मिलेगा. सेकंड शॉप जो है कारपेंट्री शॉप. कारपेंट्री शॉप के अंदर ये नाम से ही विदित है, इसमें वुडन वर्क के ऊपर प्रोसेस कराया जाएगा. यानी कि आपको एक वुड का पीस मिलेगा, जिसकी कुछ लेंथ होगी, विड्थ होगी और हाइट होगी. इस पीस के अंदर आपको सॉइंग प्रैक्टिस कराई दी. सॉइंग प्रैक्टिस के अंदर अलोंग द एक्सिस और अक्रॉस द एक्सिस कटिंग करने की प्रैक्टिस बताई जाएगी आपको. दिस इज अक्रॉस द ग्रेन्स और जो यहाँ पे कटिंग करेंगे ये अलोंग द ग्रेन्स. और उसके बाद डिफरेंट टाइप के ज्वाइंट्स वो कारपेंट्री शॉप में आपको करने का मौका मिलेगा विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टूल्स. टूल्स के अंदर जैसे प्लेनर है, चीजल्स हैं, स्क्वायर. ये कॉम्बिनेशन सेट के थ्रू आप डिफरेंट एंगल उसमें सेट कर सकते हैं और मैलेट, हैमर्स वगैरह यूटिलाइज करेंगे और डिफरेंट जॉइंट्स को यूटिलाइज काम करेंगे. इसी तरह से वेल्डिंग शॉप के अंदर नाम से ही विदित है कि दो माइल्ड स्टील पार्ट पीसेस को जोड़ना. तो जॉइनिंग ऑफ टू मेटल पीसेस विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर और जनरेटर, दैट इज नोन एज वेल्डिंग. तो उसके अंदर दो पीसेस होते हैं, फ्लैट पीसेस को लिया
और दोनों पीसेस को जो जोड़ा दैट इज वेल्डिंग. वेल्डिंग इज टू टाइप ऑफ जॉइंट, लैप जॉइंट एंड बट जॉइंट. लैप जॉइंट के अंदर दो पीसेस को जो है एक दूसरे के ऊपर करेंगे और ये जो जॉइंट यहाँ पे बनेगा दैट इज लैप जॉइंट. दूसरा होता है बट जॉइंट. बट जॉइंट के अंदर दो पीसेस को पैलर में रखेंगे और ये जो जॉइंट होगा पीस दैट इज बट जॉइंट. यानी दोनों को आपस में शोल्डर टू शोल्डर अगर आप जॉइंट करें तो दैट टाइप ऑफ जॉइंट नोन एज बट जॉइंट. ये दो तरह के पावर सोर्स इसमें यूज़ किए जाते हैं, ट्रांसफार्मर और जनरेटर. नेक्स्ट एंड लास्ट स्मिथी शॉप. स्मिथी शॉप लोहारशाला, इसके अंदर मेटल को फर्नेस के ऊपर भट्टी के अंदर गर्म किया जाता है. रेड हॉट करने के बाद विद द हेल्प ऑफ एनविल एंड हैमर उसको डिफरेंट शेप दी जाती है. इसके अंदर ये राउंड बार, अगर इसको रेड हॉट किया जाए और इसकी लेंथ विद द हेल्प ऑफ हैमरिंग बढ़ाई जाए दैट इज नोन एज एलोंगेशन. लेंथ बढ़ेगी तो क्या करेंगे, कौन सा ऑपरेशन कहलाएगा, ड्राइंग ऑपरेशन. और इसकी लेंथ को रिड्यूस किया जाए और डायमीटर को बढ़ाया जाए विद द हेल्प ऑफ एनविल एंड हैमर दैट इज नोन एज अपसेटिंग. इस तरह से वैरायटी ऑफ जॉइंट्स स्मिथी शॉप के अंदर बनाए जा सकते हैं, सच एज और ऑब्जेक्ट्स बनाए जा सकते हैं, राउंड हेड नेल्स. इसमें ए पोर्शन के अंदर अपसेटिंग प्रोसेस है और बी पोर्शन के अंदर ड्राइंग ऑपरेशन. तो इस तरह डिफरेंट ऑपरेशंस करते हुए ड्राइंग और अपसेटिंग के थ्रू आपने राउंड हेड नेल्स बनाई. रिंग्स बना सकते हैं. पाइप हुक बना सकते हैं. These are the different things you can perform in Smithy shop. तो इस तरह से एक बेसिक आपको आइडिया दिया गया कि वर्कशॉप के अंदर ये जो चार शॉप हैं, फिटिंग, कारपेंट्री, वेल्डिंग एंड स्मिथी, उसमें आपको डिफरेंट ऑपरेशंस करने पड़ेंगे जिसके थ्रू आप अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे और फिजिकल वर्क भी करना पड़ेगा. फिटिंग शॉप जो है हमारे यहाँ मिस्टर कपिल कुमार वो आपको गाइड करेंगे. कपिल कुमार ऑब्लिक आनंद स्वरूप. और कारपेंट्री शॉप के अंदर राम कुमार एंड रमेश चंद जी. ऐसे ही वेल्डिंग शॉप के अंदर शिव प्रसाद जी एंड अनिल कुमार. और स्मिथी शॉप के अंदर आपको सब प्रकाश जी और पी स्वामित. बाकी ओवरऑल गाइडेंस जो है आपके श्री स्वामी सरन जी जो हैं गाइड करेंगे. जो भी आपको प्रॉब्लम होगी
तो फ्यूचर में जो भी आपको जिस तरह से भी वर्क करना हो अकॉर्डिंगली आपको गाइड करेंगे। तो इस तरह से आप डिफरेंट शॉप में मेटल वाइज काम कर सकते हैं, फिटिंग शॉप के अंदर माइल्ड स्टील के ऊपर, कारपेंट्री शॉप के अंदर वुड के ऊपर, वेल्डिंग शॉप के अंदर माइल्ड स्टील के पीसेस को ज्वाइंट करने के अंदर, और स्मिथी शॉप के अंदर भी जो कि हॉट जॉब होता है उसमें माइल्ड स्टील को गर्म करके प्रोसेस करना होता है। इसके अंदर सबसे बड़ा एक रिस्क ये है कि आपको सेफ्टी प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप वर्कशॉप के अंदर काम करेंगे तो शूज़ पहने हुए होने चाहिए, फुल स्लीव की शर्ट होनी चाहिए और पैंट में शर्ट अंदर लबी रहे और उसके ऊपर एप्रन पहना हुआ हो जिससे कि कोई भी एक्सीडेंट ना होने पाए, कोई लूज पार्ट आपका बॉडी का ना रहे। एप्रन होने से यही है कि आपकी सेफ्टी रहेगी और जब सेफ्टी रहेगी तो सब कुछ रहेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट जो है सिर्फ ट्रेनिंग देने का जिम्मेवार है, आप बाकी मेंटली और फिजिकली आपको प्रेजेंट रहना है जिससे कि कोई एक्सीडेंट ना हो पाए। तो टू अवॉइड दी एक्सीडेंट ये सब प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। और ध्यान रखें ख़ास तौर से जैसे स्मिथी शॉप और वेल्डिंग शॉप के अंदर है, ये हेड हार्ड माइल्ड स्टील के पीसेज होते हैं और हॉट होते हैं जो कि आपको हाथ से टच नहीं करने हैं, तो उसको आपको अवॉइड करना है। और टूल्स जो हैं उसके शार्प एजेस को हाथ से टच करके नहीं देखना, नहीं तो उसमें आपके ब्लीडिंग होने लगेगी। उसके बावजूद भी अगर कोई आपका एक्सीडेंट होता है तो हमारे यहाँ फर्स्ट एड बॉक्स अवेलेबल है, आप इमीडिएटली शॉप में शॉप इंचार्जेस के पास जाएंगे, वो आपको फर्स्ट एड इमीडिएट प्रोवाइड करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों को अलर्ट रहना है, मेंटली और फिजिकली यहाँ प्रेजेंट रहना है, और बाई चांस कोई इमरजेंसी होती है तो विदाउट आस्किंग एनीबडी इमीडिएट हॉस्पिटल की तरफ रेस्ट करें जिससे कि फर्स्ट एड इमीडिएटली मिल सके। कोशिश करें कि कोई एक्सीडेंट ना हो, तभी लाइफ में आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, यानी कि मेंटली और फिजिकली आप यहाँ पर रहें जिस समय ये सब ऑपरेशन हो रहे हों। थैंक यू वेरी मच। बाकी आपको डिटेल में स्वामी संजी बताएंगे। इसके अंदर चार बैचेस बनाए जाते हैं, सपोज सेक्शन A1, A2, A3, A4। एक क्लास को चार बैचेस में बनाया जाएगा। फर्स्ट बैच जो है फिटिंग शॉप में जाएगा सपोज से, और सेकंड बैच कारपेंट्री शॉप में, एंड थर्ड बैच वेल्डिंग शॉप में, एंड फोर्थ एंड लास्ट बैच स्मिथी शॉप में जाएगा। तो चार बैचेस के साथ सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट रहेगा आपका, फर्स्ट बैच फिटिंग, सेकंड कारपेंट्री और थर्ड बैच वेल्डिंग में, और लास्ट A4 बैच जो है स्मिथी में। इसका रोटेशन फिर जो है नेक्स्ट बैच जब राउंड होगा स्मिथी वाला बैच फिटिंग में जाएगा और फिटिंग वाला कारपेंट्री में, एंड कारपेंट्री वाला जो है बैच वेल्डिंग में, और वेल्डिंग बैच स्मिथी में। इस तरह सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफॉर्म शॉप वाइज होगा, यानी कि जो फिटिंग वाला बैच है नेक्स्ट बैच नेक्स्ट टर्न के ऊपर कारपेंट्री में जाएगा, और स्मिथी वाला नेक्स्ट टर्न पे जो है फिटिंग में जाएगा, और ये चेन साइकिल चलती रहेगी। तो आपको बार बार ये पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सी शॉप में जाना है। अगर लास्ट टर्न पे आप वेल्डिंग शॉप में गए हैं तो नेक्स्ट टर्न पे स्मिथी शॉप में जाना होगा। इस तरह से बैच का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और सारे शॉप्स को कॉमनली भेजा जाएगा, तो हर शॉप में इक्वल नंबर ऑफ टर्न पड़ेंगे आपको, और सारी शॉप की आपको वाकियत मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। बाकी आपको डिटेल
सर स्वामी शरण जी बताएंगे कि किस तरह से कौन सी शॉप में कौन कौन से टूल्स यूज़ किए जाते हैं और कौन कौन से डिफरेंट ऑपरेशन किए जाते हैं। हल्का सा ब्रीफ आपको मैंने आपको आइडिया बता दिया है, जिससे कि आपको एक अवेयरनेस रहे कि कौन कौन से जॉब किस टाइप के कौन सी शॉप में हो सकते हैं। ओके, थैंक यू। हेलो, सब बच्चों को पता लग गया। आज आपको जान के ये खुशी होगी कि हमारे बीच में प्रीतम सर जी ने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से वेलकम किया और गाइड किया, और होप करते हैं कि आपका जो इसमें कैरियर है वो सही तरीके से बने और जो उनकी गाइडेंस है उनको आप प्रॉपरली फॉलो करिए। आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है, फिटिंग की क्लास थी। अब नेक्स्ट जो मंडे को है वो कारपेंट्री की क्लास होगी, इसी टाइम के ऊपर में सब लोग असेंबल हो गए। थैंक यू वेरी मच। हेलो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, दो मिनट वेट करिएगा आप लोग। मेरा मोबाइल नहीं लेते हैं, खाली मोबाइल ही नहीं है ना मेरा भाई, मेरा मोबाइल ले है तेरे भाई मोबाइल नहीं कुछ, अगर एक और वीडियो बना लेते हैं अगले मंडे भी हम करा देंगे। आवाज़ देखना आ रही है। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट आज आप लोगों की फिटिंग वर्कशॉप है। आप फिटिंग वर्कशॉप से पहले अपना थोड़ा कॉलेज के बारे में जान लीजिए। ये कॉलेज की कुछ फोटो थी आप लोग देख लीजिए।
अब आपका है कौन कौन से कोर्स यहाँ पे रन कराए जाते हैं, टेक्निकल वाले में देख लीजिए, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, लेदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वोकेशनल ऑटो, वोकेशनल आईटी। अब देखिए आपका इसमें टेक्निकल कॉलेज के अंदर कुछ वर्कशॉप है, वर्कशॉप्स में देख लीजिए आप लोग, फिटिंग वर्कशॉप, कारपेंट्री वर्कशॉप, वेल्डिंग, स्मृति और मोल्डिंग। जैसा सर आप सर ने आप लोगों को बता दिया है, फिटिंग में आपके कौन कौन से काम होते हैं, कारपेंट्री में आपके लकड़ी के और वेल्डिंग में आपके वेल्डिंग के काम, स्मृति सब बता दिया आप लोगों को। ये वर्कशॉप्स के व्यू हैं आप लिख लिए। ये कुछ फोटो हैं वर्कशॉप में ऑपरेशन करते हुए। अब शुरू करते हैं फिटिंग शॉप से। ये जो भी चीज़ें करा रही हैं आप लोगों को, वो आप लोग नोट में कॉपी में नोट करते हैं, प्रैक्टिकल कॉपी में। जब आपकी कॉपी बनेगी तो बस इसी तरह से बनेंगी। फर्स्ट पॉइंट रहेगा आपका मदर वर्कशॉप, सेकंड लेआउट ऑफ फिटिंग शॉप, थर्ड सेफ्टी प्रिकॉशन, फोर्थ क्लासिफिकेशन ऑफ वाइस फाइल, हैमर, चीजल, फिफ्थ ऑपरेशन ऑफ फिटिंग शॉप, सिक्स काइंड्स ऑफ फाइलिंग और स्पेसिफिकेशन ऑफ फाइल। मटेरियल देख लीजिए यहाँ पे कौन कौन से मटेरियल यूज़ होते हैं, हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, एल्यूमिनियम, कास्ट आयरन, कास्ट स्टील, ब्रास और गन मेटल। ये जो मटेरियल है वो यहाँ पे अलग अलग टूल्स में जॉब बनाने के लिए जब हमारी जैसी रिक्वायरमेंट होती है तब हम इसका यूज़ करते हैं। फिटिंग शॉप के अंदर टूल्स देख लीजिए, ये सभी आपके टूल्स हैं जो यूज़ होते हैं फिटिंग में। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट था आपका मदर वर्कशॉप, सेकंड है आपका लेआउट ऑफ फिटिंग शॉप। लेआउट देख लीजिए, किसी भी वर्कशॉप, किसी भी इंडस्ट्री में आपको घुसने से पहले उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन पता करनी होगी, जो कि आपको इस लेआउट से दिखेगा, एक ऐसा डायग्राम या ऐसा पिक्चर जिसमें आपको उस कमरे का या उस वर्कशॉप का या उस इंडस्ट्री का सारी इन्फॉर्मेशन उस डायग्राम के अंदर हो, उसे आप लेआउट बोलेंगे, जिसमें आपका मेन स्विच, मेन डोर, टेबल और एवरीथिंग जो भी है उसमें, वो सब इसमें मिलेगा आपको। ये आपका सेफ्टी प्रिकॉशन है, होल्ड करें 2 मिनट। हाँ सर, ये आपके सेफ्टी प्रिकॉशन है, जैसे सर ने आप लोगों को बता दिया था कि वर्कशॉप के अंदर जब भी काम करेंगे तो आपके कपड़े कभी लूज नहीं होने चाहिए, एप्रन हमेशा ऊपर पहने रहेंगे, एप्रन एक तरह का कोट की तरह होता है, आप लोगों ने देखा होगा, और सही ऑपरेशन में सही टूल का इस्तेमाल करना है। ये नहीं कि अगर हम आपको ठोकना है तो आप किसी भी चीज़ से उसको हैमर के बिना, आपने कोई भी आपके हाथ में टूल अगर आपने उसको ठोकना शुरू कर दिया, कभी भी काम करेंगे तो आपको पूरी लाइट होनी चाहिए, ये नहीं डिम लाइट में आप काम कर रहे हैं, मारना कहीं और है हथौड़ा, कहीं और आपने हथौड़ा मार दिया, आपको दिखाई नहीं चाहिए। और सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, वो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जिस मशीन पे आप काम कर रहे हैं या जो भी आप ऑपरेशन कर रहे हैं उसके बारे में आपको उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। यह नहीं कि आपको बिल्कुल आपने नई नई मशीन देखी, हाँ मैं चलाऊंगा, और आप गए और आपने मशीन चालू कर दी, कुछ भी ऑपरेशन, कुछ भी आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो पहले आप उस मशीन के बारे में पढ़ लीजिए, इसके बाद आप आगे काम करेंगे। ये क्लासिफिकेशन चार्ट है, ये आप लोग देख लीजिए, इसके बारे में आपको मैं आगे बताऊंगा। ऑपरेशन क्या क्या होते हैं वो फिटिंग शॉप में, वो देख लीजिए। फर्स्ट ऑपरेशन है फाइलिंग, मार्किंग, जब आप ये करेंगे तभी आपको पता लगेगा, जब आपका डायग्राम दिखाएंगे तब आपको पता लगेगा, ऐसे आप सब देख लीजिए। चिपिंग, हैक्सोइंग, नोट करते रहिए। काइंड्स ऑफ फाइलिंग, ये छोड़, फाइलिंग देख लीजिए। ये अब आते हैं सीधे टूल्स पे। फर्स्ट आपका ऑपरेशन ये टूल्स था इंजीनियरिंग स्केल। इंजीनियरिंग स्केल आप लोगों सभी लोगों ने देखा होगा, सिंपल एक स्टील स्केल होता है, उसे ही आपको इंजीनियरिंग स्केल बोलते हैं। सेकंड आपका वो है ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर
आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें एक स्केल है और उसके साथ में एक पकड़ने के लिए बेस है जैसे स्टॉक बोलते हैं। तो स्केल जो है वो आपका बिल्कुल फ्लैट होता है। ट्राई स्क्वायर से हम हमेशा 90 डिग्री और फ्लैटनेस दो चीज़ें करने का काम आता है। तीसरा है कॉम्बिनेशन सेट, नाम से ही आपको पता लग रहा होगा। कॉम्बिनेशन मतलब कि इसमें कम से कम तीन या चार चीज़ से आप चेक कर सकते हैं, ये आपका कॉम्बिनेशन सेट है। इस कॉम्बिनेशन सेट से हम 90 डिग्री, 45 डिग्री और एंगल 0 to 180 और किसी भी सर्कुलर या स्क्वायर जॉब का सेंटर है और सरफेस लेवलिंग, हम तीन इसे हम टोटल पांच चार या पांच चीज़ में चेक कर सकते हैं। ये आपका इनसाइड कैलिपर है, इंटरनल डायमेंशन चेक करने का काम आता है। इनसाइड कैलिपर इंटरनल डायमेंशन चेक करने का काम आता है। ये आउटसाइड कैलिपर है, जैसे आउटर एक्सटर्नल डायमेंशन चेक करने का काम आएगा। ये वर्नियर कैलिपर आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, वर्नियर कैलिपर देख लीजिए। वर्नियर कैलिपर में क्या है, आप इंटरनल डायमेंशन, एक्सटर्नल डायमेंशन और पीछे जो आपका यह है डेप्थ, इसे डेप्थ चेक करते हैं। ये जेनी कैलिपर है, इसका नाम है जेनी कैलिपर। इसे ऑडलेक कैलिपर, मर्फी कैलिपर और हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर, इसके तीन नाम है, ऑडलेक कैलिपर, हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर और मर्फी कैलिपर। इससे हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करने का काम आता है। माइक्रोमीटर देख लीजिए, सेंटर पंच। जब भी आप किसी लोहे के ऊपर आप कोई लाइन ड्रॉ करेंगे पेंसिल से, पेन से, चौक से, तो अगर आप हाथ लगाएंगे तो वो हट जाएगा। सेंटर पंच के द्वारा हम क्या करते हैं, उसके ऊपर हम पंच करते हैं जिससे कि आप एक डॉट निकला है, उससे डॉट लगता है, तो उससे क्या है, ये डॉट उस सरफेस के ऊपर आ जाएगा, जिससे वो लाइन आप हटा भी देंगे तो डॉट रहेगा, जिससे हमें पता लगेगा कि यहाँ तक हमारा ये, यहाँ तक हमें काम करना है, ऑपरेशन करना है। डिवाइडर आप लोगों ने देखा ही होगा, ये डिवाइडर है, किसी लाइन किसी भी एरिया को बाइसेक्ट करने का काम आता है। फीलर गेज, आप लोगों ने स्पार्क प्लग का नाम सुना होगा। ये जो स्ट्रिप आपको दिखाई दे रही है सामने, ये जो स्ट्रिप लगी हुई है जिस पे 0.50, 0.40, ये पतली पतली स्ट्रिप होती हैं, जिससे हम किसी भी गैप का गैप मेज़र करने का काम आता है। ये सरफेस प्लेट की जो स्पार्क प्लग का जो गैप चेक करते हैं, हम इसी से करते हैं। ये रेडियस गेज है, नाम ही इसका रेडियस है, हम इसे रेडियस चेक करते हैं, छोटे से रेडियस या बड़ा रेडियस। ये थ्रेड गेज है, थ्रेड गेज देख लीजिए, थ्रेड मतलब यहाँ धागे से नहीं है, थ्रेड मतलब यहाँ चूड़ी से है। चूड़ी मतलब जो आपके नट बोल्ट पे जो लाइनें कटे होती हैं, जो चूड़ी कटी होती हैं, उसको चेक करने का काम आता है। चीजल बेंच वाइज, ये आपका होल्डिंग टूल है फिटिंग शॉप में, ऐसे देख लीजिए, एक तरफ मूवेबल जो है, एक तरफ फिक्स जो है, इसके बीच में आप अपना जॉब जो भी बनाएंगे उसे होल्ड करके और फिर ऑपरेशन करेंगे। बस आज की क्लास में इतना ही था, अब नेक्स्ट क्लास जो है आपकी मंडे को है, जिसमें आपकी कारपेंट्री शॉप होगी। आपको नोट्स हम आईडी से भेज देंगे। बस आज की क्लास को इतना ही खत्म करते हैं।